ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬਣੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अमृतसर आज एनजीटी की टीम भक्तावाला डंप साइट पर आई है ये देखने के लिए कि वेस्ट की प्रोसेसिंग कैसी चल रही है। उन्होंने जो यहाँ की कंसेशनर कंपनी है एसएल इंफ्रास्ट्रक्चर, उनसे पूरा ब्रीफ लिया है प्रोजेक्ट के बारे में। कल मीटिंग होगी, उसमें डिस्कस करा जाएगा। यहाँ पर एनजीटी की पूरी टीम है, चेयरमैन जस्टिस प्रीतम पाल हैं, जस्टिस जसबीर जी हैं, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी एससी अग्रवाल जी हैं, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी हरियाणा मैम उर्वशी हैं, ये पूरी टीम आई है। साथ में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के समस्त अधिकारी हैं और नगर निगम अमृतसर के भी समस्त अधिकारी हैं। कहाँ कहाँ का दौरा किया गया जी? इससे पहले हम लोग दुर्गियाना मंदिर के शमशान घाट में गए थे, उसके बाद ये भक्तावाला डंप साइट पर आए। इतना गंदा, इन्नी बू आ, कोई हल ही नहीं गा। जड़ा मशीन लग चुकी हैं, इन्हों का कोई पता नहीं हूँ किन्ने दिन चलन तो किन्ने दिन आ चलन। ये भगत दूरा मंडी के लागे, अपना दूरा महल के लागे लगियाँ। मुश्किल इतने एक तो पानी बहुत गंदा, एक उस तरह भी बड़ा मच्छर है, बीमार बहुत दुनिया हो रही है, इन्नी बो आ भी कोई गल नहीं कर सकते। असी ये देखना आए हैं कि इस जो वेस्ट कूड़ा इकट्ठा होया, एक किन्नी हद तक इन साफ होया, किस तरह इन साफ किया जा सकता है। कल मीटिंग है, उस सारे ऑफिसर आपो अपनी प्रेजेंटेशन देंगे, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਬਾਕੀ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੀਤਮਪਾਲ ਜਲੰਧਰ ਗਏ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ, ਰੂਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬਸਤੀ ਕਾ ਜਬ ਮੈਂ पोजीशन में थी, मैंने अधिकारियों को लाकर सर्वे कराया था। वहाँ के लोग रोते चीखते थे, छाती की बीमारियाँ हिंदुस्तानी बस्ती से लेकर लाहौरी गेट तक, टीबी की बीमारी ज़्यादा है, सांस की बीमारियाँ ज़्यादा है। मुझे अफसोस है कि एक बार जब मैं पंजाब के सेक्रेटरी पर्यावरण को लेकर आई, मैंने सारा सर्वे कराया, ऊपर से दूसरे किसी जब इन पावर पोलिटिकल लोग, उन्होंने उसको ख़त्म करा दिया। जो वहाँ वैसे भी कुछ ऐसी फैक्ट्री लगी हैं जो घरों में नहीं होनी चाहिए, तो ये आम जनता की किसी को चिंता नहीं है। राजनीति राजनीति चलती है। मतलब जो मैंने तो उनको ये भी कहा है, आज भी चर्चा हो रही थी, मैंने कहा हमारे शहर में क्यों लगाते हो? आपके कोठियों बंगलों के पास बहुत खुली जगह है, वहाँ लगा लो। तुम लोग तो दूर रहते हो, हरियाली में रहते हो, बंगलों में खुले में रहते हो, शहर वाले ही सारा जहर खाते हैं ना।